शर्मिंदा हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा वो वक्त वो लम्हा मेरे जहन से निकला। तो अम्मी ने खुद अपनी आंखों से भाभी को तावीज जलाते हुए देख लिया और भाभी का वो इल्जाम भी गलत साबित हो गया जो उन्होंने तुम पे लगाया था। लेकिन हारून, उससे अंबर का जुर्म तो नहीं खत्म हो जाता ना, और आंटी ने भी उसका साथ दिया था। मैं अंबर का साथ नहीं दे रही, मैंने तो राशिद भाई से मिन्नत की थी कि पुलिस को इन्वॉल्व ना करें इसमें, फारान का मामला है और उसकी जिंदगी मुतासिर हो जाती है। हम थाने कचहरियों में चक्कर नहीं लगा सकते। फिर भी बेटा, जो ज्यादती मैंने तुम्हारे साथ की है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी। हाँ बस घर चलो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, अंबर की गलती पे आप क्यों माफी मांग रही? अब अलीना देखो, अम्मी खुद आएंगी, अब तो प्लीज घर चलो। हारून, मैं नाराज होके या गुस्से में घर जाने से इनकार नहीं कर रही, मैं फिलहाल आप ही को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है दिन ब दिन। आंटी वैसे भी मम्मी के बाद आप ही बहुत अकेली हो गई हैं। अलीना प्लीज, तुम मेरी वजह से यहाँ पे नहीं रुको, अपने घर जाओ, खुश रहो। लेकिन आप ही, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती। उर्वा ठीक कह रही है, कुछ दिन रहना चाहती हो तो यहाँ रह लो, इसको जरूरत है तुम्हारी। जी आंटी, आजकल आपी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं तो उनको रात में भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा अभी तुम्हारी हालत, और ताजा ताजा तुम्हें अपनी माँ की मौत का सदमा हुआ है। अल्लाह तुम दोनों को सब्र हौसला दे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मुझको अपनी माँ समझो।